नमस्ते दोस्तों, मैं सत्यम, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में जेआरएफ क्वालिफाइड, आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ एक इम्पोर्टेंट वीडियो जिसमें हम चर्चा करेंगे कन्वर्जेंस ऑफ मीडिया के बारे में। तो कन्वर्जेंस क्या होता है और इससे कुछ रिलेटेड पीवाईक्यू भी करेंगे। तो उसको स्टार्ट करने से पहले एक अनाउंसमेंट आपके लिए कि अनअकैडमी पे पूरा फुल फ्लेज में कम्प्लीट कोर्स जो है वो स्टार्ट हो चुका है। एक नया कोर्स जो है वो इसी मई के महीने से स्टार्ट होने वाला है। तो फुल फ्लेज में जो प्रिपरेशन आप कर सकते हैं, एक नेक्स्ट लेवल पे अपने प्रिपरेशन को लेके जा सकते हैं। अगर इस कोर्स को आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो सत्यम इस कोड इंक्लूड करें, आपको 10% इमीडिएट डिस्काउंट मिलेगा और इस तरीके से प्रिपरेशन आपकी चलती रहेगी। आज का जो गाइस हमारा टॉपिक है वो हमारा कन्वर्जेंस ऑफ मीडिया के बारे में है। अब कन्वर्जेंस का मतलब क्या है? कन्वर्जेंस का मतलब है गाइस मर्जिंग, मिश्रण। यानी एक मीडिया जब दूसरा मीडिया आता है तो जो पुराना मीडिया है, ओल्ड मीडिया, वो न्यू मीडिया में कन्वर्ज हो जाता है, मिश्रित हो जाता है एक तरीके से, उसको हम कहते हैं कन्वर्जेंस ऑफ मीडिया। तो कन्वर्जेंस ऑफ मीडिया का मतलब ये भी है कि कन्वर्जेंस टेक्नोलॉजी। अब इसको समझते कैसे हैं? जैसे आप देखेंगे कि बहुत सारे, आप शुरुआत में किस तरीके से जो चार्ल्स डार्विन का सिद्धांत था, हमने देखा था कि किस तरीके से क्रमिक जो विकास होता है मानव का, कि वो किस तरीके से हम रेंगते हुए आगे बढ़ता है। और आज हम इस दौर में आ चुके हैं कि जहाँ पे हम बहुत ही इंटेलेक्चुअली बहुत ज्यादा डेवलप हो चुके हैं, और उस डेवलपमेंट का नतीजा ये रहा है कि हमने बहुत सारे ऐसे नई मीडिया का इन्वेंट किया है, आविष्कार किया है, जिसने हमारी पूरी जीवन की दशा और दिशा दोनों को बदल के रख दिया है। तो हम सबसे पहले मीडिया के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। गाइज, पुराना मीडिया, वन ऑफ द ट्रेडिशनल मीडिया का फॉर्म जो है, जिसको कि हम बुक्स बोलते हैं, है ना, मास मीडिया। तो बुक्स का कन्वर्जेंस आजकल किस में हुआ है, जिसको कि हम कहते हैं ई बुक्स या फिर ब्लॉग्स, है ना, वेबसाइट्स। तो बुक्स को हम ई बुक के तौर पे कन्वर्ट होते हुए देख रहे हैं, यानी जो ट्रेडिशनल मीडिया था बुक, वो कन्वर्ट हो चुका है ई बुक में, है ना। न्यूज़पेपर का कन्वर्जेंस कैसे हुआ है, ब्लॉग्स में, न्यूज वेबसाइट्स में। तो इस तरीके से जो ओल्ड मीडिया किस तरीके से कन्वर्ज हो गई है नई मीडिया में, इसी को बोलते हैं कन्वर्जेंस ऑफ मीडिया। या आप देखते हैं कि पुराने जमाने के जो ट्रांजिस्टर हुआ करते थे, रेडियो जिसको के हम कहते हैं, वो रेडियो किस तरीके से कन्वर्ज हुआ है, वो हमारे पॉडकास्ट में, है ना। या फिर जिसको कि कहें डिफरेंट तरीके के जो, जैसे गाना ऐप है, या फिर हम देखते हैं जियो म्यूजिक, अमेजन प्राइम वाला म्यूजिक जो है, तो ये पॉडकास्ट में कन्वर्ट हुआ है। इस तरीके से टेलीविजन, जो ट्रेडिशनल टेलीविजन जिसको कि बहुत सारे लोग इडियट बॉक्स बोला करते थे, वो आजकल बन गया है वीडियो ऑन डिमांड, है ना, ओटीटी प्लेटफॉर्म में किस तरीके से इसका कन्वर्जन हुआ है, जैसे कि नेटफ्लिक्स, अमेज़न प्राइम या फिर द वायरल फीवर वगैरह। तो इस तरीके से कन्वर्जेंस, हम ट्रेडिशनल टेलीफोन की बात करते हैं तो बेसिकली टेलीफोन का कन्वर्जेंस जो हुआ है वो आप, हम लोग बात करते हैं जैसे वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल की बात करते हैं, तो इसमें हम देखेंगे कि किस तरीके से वीडियो कॉल, ऑडियो विजुअल कॉल, है ना, जैसे व्हाट्सएप या फिर आईएमओ या फिर जो ये स्काइप कॉल हम कर सकते हैं, कर रहे हैं, तो ये कन्वर्जेंस ऑफ मीडिया ही तो है, है ना। इसके अलावा हम देख रहे हैं कि फोटोग्राफी का कन्वर्जेंस इंस्टाग्राम या फिर ऐसे अनेक एप्लीकेशंस हैं जो आपको बहुत सारे प्रोवाइड कराते हैं ऑप्शंस। अब ये कन्वर्जेंस को इनिशिएट करने वाले जो है वो कंपनियां कौन कौन सी हैं, वो है हमारी गूगल या फिर फेसबुक, अमेजन एंड माइक्रोसॉफ्ट। तो ये गोफर्म बोलते हैं गाइस, गोफर्म का मतलब गूगल और फेसबुक, अमेजन एंड माइक्रोसॉफ्ट। इन कंपनी ने मीडिया कन्वर्जेंस को और ज्यादा, इसकी गति को तेज किया हुआ है। अब हम, मैंने आपको पहले ही बोला कि इवेंचुअली जो ओल्ड मीडिया होती है वो न्यू मीडिया में मिश्रित हो जाती है, कन्वर्ज हो जाती है। तो न्यू मीडिया भी गाइस ना, ये अपने अपने, ये कॉन्टेक्चुअल है। न्यू मीडिया आज के 70 साल पहले हम टेलीविजन को न्यू मीडिया बोलते थे, जिसमें ओरल जो हम रिप्रेजेंटेशन था हमारे, जैसे हैंड मूवमेंट एंड अदर्स, उसका कन्वर्जेंस हुआ मैकेनिकल मीडिया में, जिसको कि हम टेलीविजन मीडिया बोलते हैं, है ना। तो उस समय के जमाने के अनुसार टेलीविजन वाले न्यू मीडिया में कन्वर्जेंस हुआ, लेकिन आजकल के जमाने में जो ये मैकेनिकल डिवाइस जो कि टेलीविजन एंड अदर्स जो था, उसका कन्वर्जेंस हो गया है डिजिटल मीडिया में, है ना। तो इसी चीज को हमें आज बेसिकली पढ़ना है। अब ये डिजिटल मीडिया की कुछ बेसिक खासियतें क्या है, कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, जिसमें सबसे पहला है इंटरेक्टिविटी। डिजिटल मीडिया जो है ना गाइस, वो एक तरीके से बहुत ज्यादा इंटरेक्टिव है, यानी कन्वर्सेशनल मीडिया इसको कह सकते हैं। अब दूसरी बात है, ये डिजिटाइजेशन तो है ही, इसके अलावा यूजर जनरेटेड कंटेंट है, ऑटोनोमस कंटेंट क्रिएशन है, तो ये कुछ
खासियतें हैं जो कि पर्सनलाइज्ड वे में लोगों को सर्विस प्रोवाइड करा रहा है मीडिया, यानी जिस तरीके के सॉन्ग, जिस तरीके के गाने, जिस तरीके के वीडियोस, जिस तरीके के फिल्में देखना चाहते हैं तुरंत आप सर्च कर सकते हैं यूट्यूब पे, गूगल वगैरह पे आप देख सकते हैं। तो क्या ये पर्सनलाइज्ड नहीं है? बिल्कुल है। तो इसी तरीके से इसको हम समझ सकते हैं मीडिया कन्वर्जेंस को। एक चीज मैं गाइज आपको और बताना चाहता हूँ कि ये जो मीडिया कन्वर्जेंस की शुरुआत जो खासकर डिजिटल मीडिया की होती है, इंटरनेट की हम जर्नी की बात करते हैं तो 1957 को जरूर याद रखेंगे, जो उस जमाने में रशिया का सबसे पहला सैटेलाइट जो लॉन्च किया गया था स्पुतनिक, है ना, वो स्पुतनिक लॉन्च किया गया था और यहाँ से इंटरनेट की जर्नी स्टार्ट होती है। लेकिन बात यहाँ पे स्टार्ट होती है गाइस, खत्म नहीं होता। खत्म कहाँ से होता है? खत्म एक्चुअली 1989 में एंड होता है जब टिम बर्नर्स-ली ने WWW को खोज निकाला था, है ना। तो आपको इंटरनेट की जर्नी में थोड़ा जेसीआर लिकलीट को याद रखना है, जिन्होंने 1962 में गैलेक्टिक नेटवर्क के कंसेप्ट को सबसे पहले इसकी आधारशिला रखी। गैलेक्टिक नेटवर्क का मतलब ग्लोबल नेटवर्क। और इसके बाद फिर अर्पानेट जो आया हमारा, जो अर्पानेट आजकल का जो इंटरनेट का, इसको हम इंटरनेट के फॉर फादर बोल सकते हैं, अर्पानेट जो आता है वो आता है 1969 में। तो थोड़ा सा ये भी आप याद रखेंगे, है ना। इसके अलावा जो जैसे यहाँ पे मैंने लिख दिया है, तो इस तरीके से मीडिया कन्वर्जेंस को हम समझ सकते हैं कि किस तरीके से जो है एक ट्रेडिशनल मीडिया ने अपने आप को नए मीडिया में ढाला है, या फिर यूं कहें कि न्यू मीडिया ने ट्रेडिशनल मीडिया को अपने आप में समाहित किया है, तो इसको हम कहेंगे कन्वर्जेंस ऑफ मीडिया, है ना। तो गाइस समय की जो पहिया है वो बहुत ही तेज गति से चलता है। आज के न्यू मीडिया को हम आने वाले समय में पुराने मीडिया बोल देंगे, ये भी पॉसिबल है, है ना। तो वो हमें समझते रहना पड़ेगा। मैंने आपको जस्ट पहले ही बोला कि न्यू मीडिया जो टर्म है अपने आप में एक टाइम कॉन्टेक्चुअल है। जो आज के 50-70 साल पहले न्यू मीडिया था, आज वो ओल्ड मीडिया बन गया है। और आज के जस्ट 20 साल पहले जो जिसकी शुरुआत हुई थी वो न्यू मीडिया, जिसको डिजिटल मीडिया हम कह रहे हैं, हो सकता है आज के 50 साल बाद वो ये आज का जो न्यू मीडिया है वो पुराने मीडिया में हो जाए और एक नई तरीके के मीडिया का हमें देखने को मिले। तो अभी हम देखेंगे कि एक क्वेश्चन है आपके लिए, कन्वर्जेंस प्रोसेस ऑफ डिजिटल मीडिया हैज लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ व्हाट। आप लोग इसका आंसर करेंगे, है ना, वीडियो पॉज करके। मैं बता देता हूं इसका आंसर क्या होगा कि कन्वर्जेंस प्रोसेस ऑफ डिजिटल मीडिया ने क्या ये आगे बढ़ाया है चीजों को, तो लोगों को पर्सनल इंफॉर्मेशन स्पेस प्रोवाइड कराया है, है ना। तो ये आप समझ सकते हैं पर्सनल, जिस तरीके से आप चाहते हैं, जैसा आप खुद अपने लिए स्पेस चाहते हैं इंटरनेट पे, वो आपको मिल जाएगा और आप वहां से चीजों को यानी कंटेंट को कंज्यूम कर सकते हैं और अपने आप को सेटिस्फाई कर सकते हैं। तो इस तरीके से गाइस ये हमारा क्लास रहा। आज की क्लास आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आई हो तो जरूर लाइक करें और इसको शेयर कर दें ताकि और भी जो लोग हैं इसका अच्छे तरीके से फायदा उठा पाए। तो गाइस इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि जो अनअकैडमी पे बहुत सारे फ्री स्पेशल क्लासेज आने वाले हैं, तो आप मेरे इस प्रोफाइल को फॉलो कर लें, और इस प्रोफाइल को जैसे ही फॉलो करेंगे आपको डिफरेंट जो नोटिफिकेशन समय समय पे मिलते रहेंगे क्लास से संबंधित, और आप इस तरीके से आपकी प्रिपरेशन में गति मिलती रहेगी, है ना। तो लेट्स क्रैक इट के साथ आप लोग का एक बार फिर से शुक्रिया जुड़ने के लिए। मिलते हैं गाइज एक नए वीडियो में नए कॉन्सेप्ट्स के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।